रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। उसी समय कुछ एक ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में, क्योंकि पहले तो हम पढ़ते थे कोई भी कथा, एक वैसे सुन लिया फलाना मर गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर कलेजे में रखी जाती थी ये बातें जो हम सुना करते थे। एक रोहतक के अंदर एक बैंक मैनेजर था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसने बैंक लोन लेकर के कुछ अपना संपत्ति जोड़ करके 3.5 लाख रुपए की कोठी बनाई, और 1983 की बात है, उस समय की 3.5 लाख आज 35 लाख होंगे, ज़्यादा कह दूँ तो वो भी कम रहे, और बहुत अच्छा उस सेक्टर के अंदर देखने योग्य थी कि वो कोठी बनी है तो वो बनी है। उसकी मुहूर्त करनी थी, उसने सब रिश्तेदार बुला रखे, वो जंतर मंत्र करनी है, उसके मुहूर्त करनी है बुला रखे, और गुट्टी सुट्टी लानी है मित्र बुला रखे, केक भाई पंडित जी कर लिया अपने लटोटर पटोटर से, फिर अपना गुट्टी लावांगे, जश्न मनावांगे। अब उस समय उसने कुछ वस्तु लानी पड़ेगी बाजार से सुबह सुबह मुहूर्त से 1 घंटा पहले, स्कूटर उठाकर 2-व्हीलर स्कूटर, और लेने गया था सामान मेडिकल मोड़ के पास, एक 2-व्हीलर से 2-व्हीलर टकरा गए स्कूटर से स्कूटर, और वहीं गिर गया, कनपट्टी लगी फुटपाथ पे और लगते मर गया। अब चाट ले उस 3.5 लाख की कोटी ने, अब कुत्ता बनकर सैर सपट्टे करेगा वहीं पर, और उसने कोई घुसन ना दे उसमें। तो इस तरह की जो घटनाएं घटी वो इस दास के हृदय में दरी गई, फिर धीरे धीरे परमात्मा की दया हुई, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव ने उपदेश दिया, वो नाम देने का आदेश दे दिया, दीक्षा देने का। दास ये सर्विस करता था, सर्विस के दौरान ही सैटरडे संडे को सत्संग करने लगा। 2 वर्ष 1994 में इस दास को नाम दान करने का आदेश हुआ, फिर देखा वर्कलोड बहुत हो गया रजादाता की, बहुत भक्त होने लगे, सत्संग बहुत बढ़ गए। दास सर्विस करता था जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा स्टेट की, नौकरी त्याग दी, एक ही काम हो सके था, या तो परमात्मा का आदेश पालन हो सकता है या फिर वो दूसरी नौकरी हो सकती थी। तो उसमें नौकरी त्यागने से पहले मन में बहुत विकल्प संकल्प उठे, बच्चों का क्या होगा, कहीं भूखे ना मर जाएं। फिर परमात्मा प्रेरणा देता कि यदि कल तेरी मृत्यु हो जाती है तू क्या ठेकेदारी लिए बैठा है, इनका पालन परमात्मा ही करेगा। इस तरह की बहुत सी उतार चढ़ाव के बाद फिर परमात्मा ने दया बख्शी या सेवा दे दी, मजदूरी दे दी इस दास को, उसके बच्चों को जगाने की, उन धनियों को जगाने की। दास को एक कुत्ते की ड्यूटी मिली भौंकने की, आप सभी धनी हो, आप पिछले पुनकर्मी प्राणी हो, आपको जगाना इसलिए आवश्यक है कि आपके चोरी हो रही है, आपकी अनमोल जीवन नाश हो रहा है, जो जाग जाता है कुत्ते के भौंकने से आवाज़ सुनकर वो अपना धन बचा लेता है, और जो उस समय भी गफलत कर जाता है सोता रहता है तो सुबह वो देखता है तो उसका बहुत लॉस हो चुका होता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है, ये शुभ अवसर है जिसके उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम किया गया। फागुन की अमावस्या 17 फरवरी 1988 को इस दास को उपदेश मिला, इस दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। उस दिन के बाद एक
नए जीवन की शुरुआत हुई, आत्मा में न्यारी उमंग हुई, दिन रात भक्ति मालिक की वाणी सतगुरु का संग करने लगा। सन 1994 में दास ने कभी ये सोचा नहीं था स्वप्न में कि मुझे कोई ऐसा जिम्मेवारी की पोस्ट मिलेगी, दास को ये नौकरी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी, कभी भी नहीं सोचा था। दास क्या करता था, अपने आसपास के संबंधी मित्रों को, वैसे जो भी संपर्क में आता था, परमात्मा का ज्ञान सुनाता था, उनको तैयार करके अपने गुरुदेव से उपदेश दिलाता था। सन 1994 के अंदर गुरुदेव ने, मैं कुछ भक्तों को नाम दिलाने लेकर गया था, ऐसे बैठे थे बरंडे में, सामने सैकड़ों भक्त विद्वान थे। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105-6 वर्ष की हो चुकी थी और इतना सुंदर चेहरा था, लाल शरीर था, 104 वर्ष की आयु में उनका चेहरा देखने योग्य था, वृद्ध अवश्य हो गए थे। और एकदम कहा कि रामपाल, इधरा, मैं बहुत पीछे बैठा था, दास की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने, क्यों, डर लगता था कि सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांप दे और ना जाने किसी बात पर मेरा टूट ना जावे, दे कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जिससे गुरुजी क्षुब्ध हो जाए, इसलिए दास बहुत डर कर रहता था। नाम देने वाले आगे बैठे थे, दास बहुत पीछे बैठा था। और भी बहुत से नाम लेने वाले, दीक्षा लेने वाले आए हुए थे और दास भी 5-7 को लेकर गया था, वो भी उन्हीं में विराजमान थे। मुझे पुकारा, में आगे चला गया, बैठ जा, और कहा कि आज के बाद तू उपदेश दिया करेगा। और वहाँ उपस्थित सैकड़ों तो उपदेश लेने वाले थे और भी बहुत उनके पुराने शिष्य भी थे, सबसे बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं, और ये सब के गुरु हैं, इनसे दीक्षा लो। मैं एकदम घबरा गया, कति पसीने आ गए दास के, और वो तो अंतर्यामी थे। मैं इस चीज़ से डर गया कि इतने जिम्मेवारी की चीज़ कदे दादा ने करी ना, पड़दादों ने करी नहीं, कि तो देखा नहीं, अनुभव नहीं ऐसा। वो तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि चिंता ना करना, तेरे साथ रहूँगा, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और फिर कहा कि विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा, ये सब आप पुण्यात्माओं। उस समय दास अपने को भगत भी पूरा नहीं मानने था, और उन्होंने इतनी बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि तेरे समान विश्व में कोई संत नहीं होगा। तो कहते हैं, गुरु मेर करे तो काग से हंस बना दे। उन्होंने अपनी मेहर से इस दास को, कौवे को हंस बनाया, अपने ही आशीर्वाद से संत बनाया। उस समय हमारी बाल बुद्धि थी, ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे जैसा एक तुच्छ प्राणी और विश्व में मेरे समान कोई संत ना होगा। ये बात गले नहीं उतर रही थी, लेकिन गुरु की जो वचन है वो उसमें दोष भी दिखाई नहीं देवा था, जैसे कोई छोटा बालक होता है और उसको कोई कहता है कि बेटा वो पेन ला, वो जैसे पेन रखा होता है, ये पेन रखा हो और वो बच्चा उठा लेता है, वो पूछता है डैडी ये क्या है, पिताजी ये क्या है, पिताजी कहता है बेटा पेन है, वो कहता है कि पेन है, हैं पेन है, हैं। और इस बात को कहते कहते उसको रख के वो और खेल लग जाता है। कहने का भाव ये है कि उसको न तो ये अविश्वास है कि पिताजी जो कह रहा है वो गलत होगा, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी बाल है कि इसको समझ नहीं पा रही, ये पेन है, वो ऐसे उसको छोड़कर चला जाता है। तो इस दास की अब वो ऐसी थी, उन्होंने कहा कि तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। तो उस समय दास ऐसी स्थिति में था
और वो जो कह रहे थे तो पेन था ही। तो अब इस बात का कुछ एहसास हो रहा है, क्योंकि इन अन्य संतों ऋषियों के जो अनुभव देखे दास ने, इनके पास तक खख भी कोई नहीं अध्यात्म ज्ञान का। तो हम इस योग्य नहीं थे, गुरु जी के आशीर्वाद से हो गए, यु ज्ञान हो गया, बुद्धि खुली, और इन महर्षियों के अंदर इनके झांक के देखा, इनके खुले वो बोरे दिन पर ISI मार्क ला रखा, गोबर पर रखा था इन्हें सब ने, किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, सबकी दुर्गति हुई। पिछले इतिहास बतावें, हमारे ग्रंथ कहते हैं कुछ, ये हमें बता रहे थे उसके विपरीत। तो ये संत नहीं थे, आज आपके समक्ष है, क्योंकि बुद्धिमान समाज है। तो पुण्यात्माओं, जिस दिन आपका आध्यात्मिक जन्म होता है वो आपका वास्तविक जन्म है इस पृथ्वी मंडल पर। शरीर के जन्म तो असंख्य हो लिए, जन्म तो वो भी है क्योंकि शरीर स्टार्ट हुआ, और अब आत्मा का जन्म समझो, आध्यात्मिक जन्म उसका उस दिन है जिस दिन सतगुरु मिल गए। जा दिन सतगुरु भेंटिया, सो दिन लेखे जाने, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। के यही समय हमारा उस दिन से लेखे लगा जीवन जिस दिन से पूर्ण संत मिले, नकली गुरुओं से उपदेश लिया हुआ व्यर्थ है। सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।